नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विददाति कामान् तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषाम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। દરેક હરિ ભક્તો જરા ધ્યાનમાં લેશો, થોડી જાહેરાતો છે। આવતી 19 અને 20 બે દિવસનો અહીંયા કુંડલધામમાં કાર્યક્રમ છે। એમાં 20મી માર્ચે રવિવાર છે। રવિવારે આત્મી સભા છે। આત્મી સભ્યોને એમના પરિવારજનોને અહીંયા જે કોઈ આવ્યા હશે એમને અથવા ઘરે હશે એમને ઘરે બેઠા એ સભાનો લાભ મળવાનો છે। પરંતુ અગત્યની જાહેરાત છે, 20મી માર્ચે રવિ સભા બંધ છે। તો રવિ સભાર્થીઓ એની નોંધ લે। એની સાથોસાથ એક કાયમ માટેની હવેની જાહેરાત, દર મહિનાની બીજી રવિ સભા બંધ રહેશે। ઇંગ્લિશ મહિનો શરૂ થાય पहलो रविवार रवि सभा थाशे अने बीजो रविवार जे पण तारीखे आवे ते दिवसे रवि सभा बंध रहेशे। कारण के जे रवि सभा योजनाराओ छे, सेवा करनाराओ छे, जवाबदार व्यक्तिओ छे एने बधी ज सभाओनी जवाबदारी होवाथी एने कोई रजा नथी मळती। तेमना अमुक खास अगत्यना करवा जेवा व्यवहारिक कामों माटे तेओ फ्री नथी थता। बाकीना मारा तमारा जेवा मेहमानो क्यारेक आवे क्यारेक नो आवे, एमने अनुकूल होय तो आवे नो आवे तो फ्री ना फ्री छे। परंतु जवाबदार व्यक्तिओ पेक छे। अहींयाथी गुरुजी कोई जाहेरात करे करावे तो जे घरधणी जेवा भक्तो छे तो पड्यो बोल झीले के गुरुजीनी आज्ञा मरजी छे, चालो आपणे आवुं आयोजन करीए। तो आपणे एमना माटे पण कंईक सवलियत विचारवी जोईए। एमनो पण एक परिवार छे, जवाबदारीओ छे। एटला माटे वाला गुरुजीए नक्की कर्युं के जेम कोरोना काळ पहेला आपणे महीनामां एक रविवारे रजा आपता, एम ज हवे पछी दर इंग्लिश महीनाना बीजा रविवारे रवि सभा बंध रहेशे। अगाऊ एटला माटे जाहेरात करूं छुं के आयोजकोने ते दिवसे रजा रहेवानी छे ई अगाऊ खबर होय तो तेओ एमनुं प्लानिंग सारी रीते करी शके। एक बीजी जाहेरात, हमणां अहींया जेने सेवा करवा आववुं होय एवा बहनो भाईओने सेवा माटेनी जाहेरात थई छे अने एवी घणी वखत थाय छे। ए सेवा करवा आवनाराओ माटे अने एमने एलाव करनाराओ जे छे, मंजूरी आपनाराओ छे ए बंने माटेनी आ जाहेरात छे। अहींयाथी जाहेरात थाय तो गमे ते अहींया आवे तो शुं खरेखर गमे तेना आववाथी अहींया सेवा थाय? कोनी जरूर छे, कोण सेवा करी शकशे, केवी सेवा करी शकशे अने केवी सेवानी अहींया जरूरियात छे, आ बधो एमां मामलो काम करे छे। नंबर 2, सेवा करवा ज आवे तो गमे त्या रीते मूकीए, गमे त्या सेवा करशे। परंतु जेने खरेखर सेवा करवानो आलोच नथी ये तो सेवा करशे कि नहीं करे सी खबर नड़शे तो खराब। जेनी वृत्ति शुद्ध नथी तेओ सेवा तो करे कि न करे अहींया आवीने को सेवा करे। अने तमने खबर छे वचनामृत में स्वामीनारायण भगवान एवं बोल्या है कि तीर्थ क्षेत्र में जो कोईपण प्रकारनु सत्कर्म करवामां आवे तो एनु फल बहु मोटू थाय अने जो पाप कर्म करवामां आवे तो एनु फल वज्रलेप थी जाए। मतलब आवा पवित्र तीर्थधाम में आवीने कोई चोरी करे, कोई कई खोटू काम करे, कोई ऊँघ आलस प्रमाद करे, कोई अभावगुण ले, कोई कुदृष्टि करे, आवा कोईपण प्रकारना पाप असत्कर्मो आवा तीर्थधाम में एवी लुच्ची मनोवृत्ति वाला थी जाए तो एने वज्रलोभ जेवू पाप लागे कि न लागे दादाओ? तो सेवा करवानुं तो पड्युं रह्युं कुसेवा छे। माटे आवनाराओए पण एकवार नहीं 10 वार पोतानुं काळजू पोतानुं अंतर चेक करवुं कि खरेखर हूँ सेवा करवा जवा इच्छू छू, त्यां जईने हूँ खरेखर सेवा करवानो छू, भगवान संतो भक्तो राजी थाय एमज हूँ करीश। हाँ, आनो मतलब ये नहीं कि बधा ज कोईपण तन तोड़ सेवा करी शकता होवा जोईए। कोकथी आवी थाय, कोकथी आवी थाय, पण कम से कम सेवा करवानो राजीपो लेवानो शुद्ध भाव तो होवो जोईए। अने जे ते स्थानिक लीडरो छे एमने पण मारी विनंती कि तमने कोई पूछे तो तमे पण तमाराथी जेटलू शक्य बने एटलू चेक करो, जोई तपासो, बीजाने पूछो, बीजानी सलाह ल्यो अने पछी अहींया पूछो कि आवा आवा व्यक्तिओ सेवा करवा आववानुं पूछे छे तो एनी जरूर छे, एमने मंजूरी आपो, तमे मोकलशो, एनी जवाबदारी तमारी छे। माटे बहनों भाईओ कोई पण आ रंगोत्सव पहला पूर्व तैयारीनी सेवामां आववा चाहता होय तेवो हवे डायरेक्ट वाहन पकड़ीने अहींया गेटे उतरी न जाय। पहला तमारा स्थानिक जे लीडरो होय, सेवा लीडरो होय, आपणा योग्य प्रमाणभूत व्यक्तिओ बहनों में बहनों भाईओ होय एमने तमे त्यां नाम लखाओ, तमे तमारी परिस्थिति जणावो अने पछी तेओ अहींयाथी मंजूरी मळे अने ए पण तमने त्यां मंजूरी आपे, एलाव करे, तमारी जवाबदारी ले तो तमे अहींया आवो अने अहींया आवीने राजीपो रळो तो ए काम सारुं थाय। विक्रम संवत 2078 फागण सुद 13 बुधवार तारीख 16 मार्च 2022 कथा भाग 184। कथास्थल स्टेज कुटीर कुंडलधाम। आज की मांग 312 312। हमारे प्यारे गुरुजी परम पूज्यपाद सदगुरु वर्य श्री ज्ञान जीवन दास जी स्वामी कुंडलधाम वाले का यह विचार है। उन्होंने एक बार मुझको और हम सभी को ये विचार दे रखा है और मैं मानता हूँ हर रोज हर दम ये उपयुक्त है। सुनिए क्या है। दूसरों को दंड देने या दिलवाने का आग्रह दुराग्रह यानी मतलब भगवान का काम अपने हाथ में ले लेना। क्या हम भगवान का काम सही मायने में कर सकते हैं? और हम करने जाएंगे तो क्या होगा? बहुत बड़े दुख में फंस जाएंगे। लेकिन 2 बात समझने की जरूरत है। एक, दंड देने या दिलवाने की यह बात है। दूसरी बात, दंड तो शास्त्रीय विधि विधान में आता है, लेकिन दंड देने या दिलवाने का जो दुराग्रह हो जाता है वो गलत है। सोचिए, कोई व्यक्ति से मुझको कुछ दुख लगा, मेरी फीलिंग बिगड़ गई, पता नहीं उसका इंटेंशन क्या था, इरादा क्या था, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझको अच्छा नहीं लगा। मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, फिर भी मैंने सोचने का शुरू कर दिया, ये तो बहुत बुरा आदमी है, ये तो बहुत खराब है, भगवान उसका बुरा करे, भगवान इसका ऐसा ऐसा करे। उसका तो बुरा हो या न हो, लेकिन हम भगवान बन बैठे, हमारा बुरा अवश्य हो जाएगा। किसी को भी दंड देने के लिए या तो दूसरों के द्वारा दिलवाने के लिए हम दुराग्रह करने लगते हैं, उसका मतलब है हम भगवान बन बैठे हैं, हम भगवान का काम करते हैं। कर्मफल देने का काम किसका है भाई? केवल प्रभु का है। हो सके कभी किसी आदमी ने बद इरादे से ही हमारा कुछ बिगाड़ा, हम सावधानी रख सकते हैं, दोबारा ऐसा कोई मौका मिले तो हम ऐसा ठगाई दोबारा न हो ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम बार बार ऐसा सोचने लगते हैं कि उसका बिगड़ जाना चाहिए, उसको कुछ दंड मिलना चाहिए, या तो मैं उसको कहूँगा, इसको बोलूँगा, बताऊँगा और वो उसको ठीक तरह से फटकारेंगे। तो वो हमने भगवान का काम हाथ में ले लिया, मतलब अनधिकृत चेष्टा करने लगे जो हमको ही दुखी करेगी। इसलिए सावधान। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे अनुयायी वर्ग हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, लाइक आपके संतान और हमारे त्यागाश्रम में शिष्य और गुरु बंधु, और हमको पता लगे कि वो कुछ भगवान की आज्ञा लोप करके दुखी होने वाला है, तो हमको कहना चाहिए, यदि अधिकार हो तो डांटना भी चाहिए, लेकिन कभी दुराग्रह नहीं रखना चाहिए कि दंड मिलो ही, दंड देना ही है, उसको हैरान परेशान कर ही देना है, जेने शुद्ध गुजराती में कहवाय वेर वाळवू, बदलो लेवो। ये बहुत भूंडू और भयंकर है। सावधान, हम ऐसा न करें और हम ही भगवान की दृष्टि से न गिरे, न फंस जाए। इसलिए गुरुजी का ये विचार सदैव हमारे लिए ध्यान में रखने योग्य है। सद्गुरु रामानंद स्वामी ना आख्यान की कथा चाली रही है। रामानंद स्वामी ने एक सन्यासी आत्मानंदजी गुरु मळ्या, तेवो एक महायोगी छे, खरेखर एक सिद्ध पुरुष छे। विप्र राम शर्मा जी ने एवं अनुमान लाग्यु के एने भगवान ना साक्षात दर्शन थाता होवा जोईए, अने एटले तेवो एमने शरणे थया, एमना शिष्य बन्या, भगवान पमाड़वानी प्रार्थना करी, एना साधनों पूछ्या, अने छेवटे आत्मानंद सन्यासी जीए एमने योग साधना शीखवानी आज्ञा करी। ते पोते ज योग गुरु हता एटले योग शीखवाड्यो। दीक्षा मंत्र आप्यो, राम नाम हतुं एमांथी एमनुं नाम रामानंद करी दीधुं, जेने रामनो आनंद अहोनिश रहतो होय एवुं अन्वर्थ नाम पाड़ी दीधुं। तात्कालिक उद्धवजीना अवतार होवाथी बधी योग कलाओ शीखी गया, परंतु ज्यारे ये योगना फळने चाखवानुं थयुं त्यारे एक धड़ाको बोली गयो, अने ए ज मुद्दो मारे ने तमारे खास समजवा जेवो छे। सांभळो, आ आध्यात्मिक मार्ग एवो अनंत छे अने अगम पण छे के आपणे कळी शकता नथी के कोण महापुरुष कया लेवले बैठा होय छे। बंने प्रकारनी भूल थई शके छे। एक खरेखर खूब सारा होय, उच्च कक्षाना होय, श्रेष्ठतम स्थितिने अने समझदारीने वरेला होय, आपणे समझी न शकीए अने आपणे एने आपणा जेवा सामान्य मानी बेसीए, आ पण एक गोजारी भूल थाय छे। बीजी पण एक भूल थई शके छे के आपणे एमने जेवा अने जेटला ऊंचा जेवी स्थिति वाला मान्या होय एवा ए न पण होय आपणे भरोसा मूकीए अपने एमने सौंपाइए ये कहे एमज बधु करवा लागिए एमनी बैठे बैठे समझण जो मानी लईए तो कदाच नुकसान पण थाय। एटला माटे आ वात खूब समझवा जेवी छे। आध्यात्मिक मार्ग में अनेक प्रकारनी स्थितिओ छे, अनेक प्रकारनी प्राप्तिओ छे। तेना जे महापुरुषों होय छे, गुरुओं होय छे, ते पण बधा अलग अलग मतना, अलग अलग समझणना, अलग अलग स्थितिना होय छे। बधा ज महापुरुषों एक ज प्रकारनी समझण अने एक प्रकारनी स्थिति प्राप्ति धरावता होता नथी। तेमां कोईक विरला एवा मळे के जे आपणने पण परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण जेवा छे तेवा समझावी शके अने पमाड़ी पण शके, ए सौथी मोटी परब्रह्मनी कृपा कहेवाय। बाकी आपणे एवुं मानीने एने सेवीए, सांभळीए अने एवा निकळे नहीं, एवा होय नहीं तो कठणाई बेसी जाय। सांभळो हवे शुभनु। एक दिवस योग साधता साधता गुरु कृपा अने स्वप्रयत्नना फल स्वरूपे रामानंद स्वामी ने समाधि लागी गई। तमे जाणो छो योगना 8 अंग छे, योगना 8 अंग छे। मने याद आवे तो हूँ ट्राई करूँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान अने समाधि आ प्रेक्टिकल क्रम छे। यमनो अर्थ थाय अमुक फिक्स योग शास्त्रोए नक्की करी दीधेला नियम, जेने आपणा 5 वर्तमान कहीए छीए एवा। एना ज एक बीजा प्रकार स्वरूपे एन नाम नियम। तो यम अने नियम ये बन्ने भेगा करो एनो अर्थ थाय धर्म, स्वधर्म, जे योगीओ माटे उपयुक्त छे, अपने सौ भक्तों माटे पण अत्यंत उपयोगी छे। पछी आसन। आम तो फेमस 84 प्रकारना आसन छे, पण जे आसन अर्थात जे पोस्चर मां, जे मुद्रा मां आपणे सुखे भगवाननु ध्यान, भजन, मननो संयम करी शकीए एवा आसनो सिलेक्ट करवा जोईए अने सिद्धहस्त करवा जोईए। ए थोड़ोक शारीरिक व्यायाम पण पूरो पाडे छे। आसन पछी प्राणायाम। आपणा प्राणनो संयम करवा माटे, प्राणनु नियमन करवा माटेनी ए अमुक प्रकारनी प्रोसेस फिक्स करवामां आवी छे के आ रीते श्वास लेवो, आ रीते छोड़वो, एनो कंट्रोल करवो। प्राणनो आयाम, संयम, मन ने संयमित करवामां खूब उपयोगी छे। तमे ज्यारे प्राणायाम करो तो तमे जोशो ज्यारे ज्यारे आपणे प्राणायाम करवा लागीए ने जो ए पद्धतिसर करीए तो ए वखते भटकतो आपणुं मन शांत बने छे। त्यार पछी प्रत्याहार। प्रत्याहारनो अर्थ छे के आपणा इंद्रियो, अंतःकरणनी वृत्ति जे सहज स्वाभाविक बार जाती होय एने रोकवी, अवरोधवी अने एने कोई पण एक जग्याए रोकवा माटेनो अभ्यास करवो। खास करीने पाछी वृत्ति वाळવાનો अभ्यास, एन नाम छे प्रत्याहार। आपणा मनने, आपणा इंद्रियोने जे गमे ए कदाच शास्त्रीय विधि विधानमां मान्य होय तो पण बधुं भोगव भोगव कराय नहीं। एमांथी संकोच करी वृत्तिओने पाछी वाळवानो जे अभ्यास करवो ए प्रत्याहार छे। प्रत्याहार फिक्स थई गया पछी ध्याननी कुशलता केळववा माटेनी एक प्रेक्टिस, एनुं ज नाम छे धारणा। ध्याननी पूर्व भूमिका छे। धारणानो अर्थ छे कोई एक जग्याए चित्तवृत्तिने धारी राखवी। જેથી કરીને આપણી ચિત્ત વૃત્તિ મનોવૃત્તિ ભટકવાના હેબિટમાંથી રોકાઈને સ્થિર થવાની પ્રેક્ટિસ પામે। ત્યારબાદ ધ્યાન। ધ્યાનનો મતલબ છે કે ચિંતન। પરબ્રહ્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણનું હું આત્મા અક્ષર બ્રહ્મ છું એવા સ્વસ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું, ચિંતન કરવું, વિઝ્યુલાઇઝેશન ઉપાડી મૂકવું। અને પછી છે સમાધિ, એ આઠમું અને છેલ્લું અંગ છે। સમાધિનો મતલબ છે કે આપણી ચિત્ત વૃત્તિનો સંપૂર્ણ નિરોધ થઈ જવો, એક જગ્યાએ સુસ્થિર થઈ જવી। જેટલો સમય આપણા ધ્યેયમાં લક્ષ્ય બિંદુમાં આપણું ચિત્ત પોતાની તમામ વૃત્તિઓથી નિરોધ પામે, વિરામ પામે, એનું નામ સમાધિ છે। પરંતુ સમાધિના કેટલાક સ્ટેપ્સ છે, સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ, એમાં પણ કેટલાક પ્રકારો છે। એટલે જે શરૂઆતમાં સમાધિ થાય એ તો યોગનું એક અંગ છે, એનો અંગી ભાગ જેને ખરેખર યોગ કહેવાય એ છે પરબ્રહ્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણમાં ચિત્તવૃત્તિનું કાયમી સ્થિરીકરણ, પરબ્રહ્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણનો સાક્ષાત અનુભવ। હવે જેવા યોગ ગુરુ મળ્યા હોય એ આપણને એ રીતે યોગની પ્રોસેસ કરાવે, એવી ધારણા, એવું ધ્યાન શીખવાડે, એને અનુસારે એવી સમાધિ લાગે। અને ખાસ કરીને આપણને એમણે જે વિચારો આપ્યા છે અને સૌથી વિશેષ તે જે સ્થિતિને પામ્યા છે અને એ એવી કૃપા કરે, આશીર્વાદ આપે કે આને પણ આવો અનુભવ થાવ। એટલે સમાધિમાં એ અનુભવ શરૂ થાય। आत्मानंद सन्यासीजी, आत्मानंद स्वामीजी योगी छे, खरेखर साचा योगी छे, परंतु एमनी जे परंपरा छे, एमने जे समझण प्राप्त थई छे ए घणी बधी अधूरी छे। एटले ते जे मानता हता, जे समझता हता, जे प्रकारनी समाधि तेओ पोते पामेला हता एवी ज एमणे रामानंद स्वामी ने सिद्धि प्राप्त करावी। हवे एमणे जे समाधि करावी एमां शुं अनुभव थयो सांभळो। थोड़ा ज समयमां रामानंद स्वामी पोताना आत्मानी ब्रह्म साथे एकताने पाम्या। शुं पाम्या? पोताना आत्मानी ब्रह्म साथे एकता पाम्या। ब्रह्म मतलब चिदाकाश, ब्रह्म मतलब सर्वव्यापक अक्षर ब्रह्म तत्व, ब्रह्म मतलब परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण माथी निकलतु अने सर्वत्र प्रसरतु तेज। ब्रह्मनो एक अर्थ ए पण खरो के आत्मानु शुद्ध स्वरूप, त्रण गुण, त्रण अवस्था, त्रण देहना वळगण उपाधि रहित शुद्ध आत्म स्वरूपनो अनुभव ए पण ब्रह्म स्वरूप अनुभव छे। रामानंद स्वामी पोताना आत्मानी ब्रह्म साथे एकताने पाम्या, मतलब परब्रह्म विहोणी ब्रह्मनी स्थिति पाम्या, जेमां हजी परब्रह्मनो अनुभव नथी, कारण के एमना योग गुरुने जे नथी। हवे तेओ तेमना सद्गुरु आत्मानंद स्वामी जेवा ज सिद्ध थया, केवा? गुरु जेवा ज, तेनाथी जरा जेटला पण न्यून रह्या नहीं, पण गुरु खुद न्यून छे। तो चेला बाबा थी ऊपर कई थी जाए। एक दिवस समाधि समये रामानंद स्वामी ने पोताना आत्मा मां अखंड तेज देखाणु। शु देखाणु? आ देखाय एने साक्षात्कार कहेवाय। फीलिंग्स बदली जाए, ये स्थिर थी जाए, एने एकतानी फीलिंग कहवाय। हवे तो तेज देखाणु, वळी जेम पिंड होय तेवुं ज ब्रह्मांड भास्युं, અને બ્રહ્માંડની બધી રચનાઓ તેમને સમાધિમાં દેખાવા લાગી। આ એક योग समाधिनो स्टेप छे, एक प्रकार छे। एम आपणे न ललचाईए न लोभाईए तो पछी जीवन लक्ष्य उपर स्थिर थई शकाय छे। आवी रीते रामानंद स्वामी ज्यारे पण समाधिमां जाय त्यारे दशे दिशाओमां व्याप्त केवल ब्रह्मनुं तेज देखता हता। केवल कहेवानो मतलब शुं? फक्त तेज, निराकार तेज। ये तेजना मूल कंद स्वरूप परब्रह्म नथी देखाता। सदा साकार सर्वांग संपूर्ण दिव्य मूर्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वोपरि सर्वावतारी पुरुषोत्तम नारायण या एमना कोईपण अवतार स्वरूपनो अनुभव थतो नथी। परंतु ते तेजमां श्रीकृष्णनु अनुपम साकार स्वरूप क्या रे रामानंद स्वामी ने जोवा मळ्युं नहीं, देखायुं नहीं। त्यारे उद्धवनो अवतार एवा रामानंद स्वामी केवल निराकार ब्रह्मना अनुभवथी संतोष न पाम्या पण उल्टाना अंतरमां अकळाई गया। अकळामण अनुभववा लाग्या के हूँ कांईक भूल करूं छुं, आवुं केम थाय छे, भगवानना दर्शन केम नथी थता, मारा इष्टदेव भगवान श्रीकृष्ण प्रभु मने केम देखाता नथी, हूँ कांईक भराई गयो छुं, फसाई गयो छुं, हूँ कांईक भूलमां आवी गयो छुं। पछी गुरु पासे जई नम्र भावे वाणी उच्चारी। आपणने कोई वात सिद्ध न थाय तो आपणे सीधो कोकना उपर आक्षेप न मारी शकीए। होई शके एमां आपणी पण खामी होय, एटले पहेला गुरुदेव पासे जई अति नम्र बनी गदगदित थईने एमणे विनंती करी के हे करुणाकारी गुरु, जोयो केवुं संबोधन कर्युं, हे करुणाकारी गुरु तमे मारा उपर करुणा करी, तमे मने तमारो शिष्य बनाव्यो, दीक्षा आपी, योग शीखवाड्यो, आपनी कृपाथी तो हूँ तत्काळ समाधि पाम्यो। आपनी करुणा हूँ कहीं बोली शकूं, हे करुणाकारी गुरु तमे मारा उपर कृपा करी जेथी हूँ समाधिनी सिद्धि पाम्यो, पण ते समाधिमां मने सर्वत्र व्यापक एवं एकरस तेज ज अनुभवाय छे। निराकार तेज मने देखाय छे, परंतु मारा इष्टदेव भगवान श्रीकृष्ण तो सदा साकार मूर्ति छे, ए मने केम नथी देखाता। हवे रामानंद स्वामी जे बोलवा लाग्या हूँ अगाऊ आप सबने कही राखुं छुं, वाला भाईओ ए मारुं तमारुं आपणा सौनुं मिशन छे। ए आपणे बधाए ए बाबतनी दृढ़ता करवी जोईए। आवी कथाओ ज्यारे ज्यारे आवे त्यारे मात्र रामानंद स्वामीनुं आख्यान आवे छे, मने तमने बधाने खबर छे के रामानंद स्वामीना आख्यानमां आवुं बधुं आवे छे, एटलुं मानीने बेसी नहीं रहेवानुं। एना जे मेन पॉइंट्स छे जेना माटे आ आख्यान मने ने तमने कांईक बहुत पूरो पाडे छे, ए वात उपर आपणे ध्यान देवानुं। ए पॉइंट आ छे, रामानंद स्वामी शुं बोल्या, जे खरा भगवानना भक्त होय, आश्रित होय, साचा संत होय, एनो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम नारायणनी उपासनानो दृढ़ाव केवो होवो जोईए, ए भगवानने केवा समजता होवा जोईए अने ए बाबत में एनी केटली दृढ़ता होवी जोईए। सांभळो, एक चौपाई में कविश्वल दलपतराम जी आ वात निखारे छे, मूलजी ब्रह्मचारी दादा खाचर ने आ वात कही रह्या छे, मानो मने तमने ज ए समजाववामां आवी रह्युं छे। Thank you. मन तहु तब लो रोशन छवि निरखु नहीं जब लो कृतार्थ नहीं मन तहु तब लो कृतार्थ नहीं मन तहु तब लो कृतार्थ मानत नहीं हो तब लो जबलो एटले ज्यां सुधी तबलो एटले ત્યાં સુધી જ્યાં સુધી મને સાક્ષાત સદા સાકાર મૂર્તિ મારા ઈષ્ટદેવ પ્રભુના દર્શન ન થાય ત્યાં સુધી હું મને કદી કૃતાર્થ માનતો નથી, માનીશ પણ નહીં। કૃતાર્થતાનો અર્થ છે પૂર્ણ કામતા, સફળતાનો અહેસાસ। આપણે ક્યારે ક્યારે સફળતા માનીએ છીએ, આપણને કૃતાર્થતા ક્યારે આવે છે કે હા જીવન સાર્થક છે, ધન છે, આવું મળી ગયું। રામાનંદ સ્વામી આવું કહે છે, જ્યાં સુધી હું મારા ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી હરિજી મહારાજનો સાક્ષાત અનુભવ ન પામું ત્યાં સુધી હું મને કૃતાર્થ માનું નહીં। એટલું નહીં, સાંભળો। जबलो दर्शन कृष्णन देवे जबलो दर्शन कृष्णन देवे तबलो मन उद्वेग ही रहेवे तबलो मन उद्वेग ही रहेवे तबलो मन उद्वेग ही रहेवे कृष्ण छवि निरखु नहीं जबलो कृतार्थ नहीं मानत हूँ तबलो कृष्ण छवि निरखु नहीं जबलो कृतार्थ नहीं मानत हूँ तबलो ओ तबलो मानवो द्वेग ही रहेवे આપણને ક્યારે ક્યારે ઉદ્વેગ થાય છે? ચેક કરો। મારું જ્યારે અપમાન થાય, મન ધાર્યું મરોડાઈ જાય, મારી ઈચ્છાની પૂર્તિ ન થાય, મારું સમાજમાં ખરાબ દેખાય, દેખાવાની કોઈ પરિસ્થિતિ સર્જાય, આબરૂ જવાનો કોઈ સરંજામ ઊભો થાય, ત્યારે મને ઉદ્વેગ થાય છે। તમને રામાનંદ સ્વામી એમ કહે છે, જ્યાં સુધી મારા ઈષ્ટદેવ પ્રભુ મને દર્શન ન દે ત્યાં સુધી મારું મન ઉદ્વેગમાં રહે છે, એ શાંત થતું નથી। એ કાંઈક ખાલીપો, અધુરાશ, અપૂર્ણતા, ખોટ ખામી અનુભવે છે। બાપ કલ્પના કરો, જેને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ પોતાના ગુરુ તરીકે સિલેક્ટ કરી રહ્યા છે એ હોય કેવા। ત્યાં સુધી મને મારા મનમાં ઉદ્વેગ જ રહેશે, હું એને સમાવી નહીં શકું। માટે હે ગુરુદેવ કૃપા કરી મને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સાક્ષાત દર્શન થાય એવી તમે કંઈક હજી વિશિષ્ટ કૃપા કરો, એમ કહેવું છે। પરંતુ આધ્યાત્મિક માર્ગમાં દરેક મહાપુરુષો અલગ સમજદારી, અલગ સ્થિતિ ધરાવતા હોવાથી હવે રામાનંદ સ્વામીને બહુ કડવો ઘૂંટડો પીવો પડશે। સાવધાન વાલા ભાઈઓ, આજકાલ નેટનો જમાનો થઈ ગયો છે। યુટ્યુબ ઉપર, સોશિયલ મીડિયાઓ ઉપર ઢગલા બંધ વક્તાઓની, ચિંતકોની, મહાપુરુષોની, સાધુ સંતોની, પ્રવક્તાઓની વાતો, ડિસ્કશન, કથાઓ આવ્યા જ કરતું હોય છે। જો ઠીક પડે ને આ ભરાઈ પડશો તો કોક દિવસ એવા શબ્દો કાનમાં આવશે, અને જો એ મગજમાં ચડી ગયા અને ક્યાંક ઊંધું મગજમાં ઘૂસી ગયું तो आध्यात्मिक मार्गनो ऊंधू वळी जई शके छे। हूँ एक कही सकूँ के तेवो असत्पुरुष होय एवी कोई आपणे खातरी न आपी शकीए। होय तो सत्पुरुष मतलब बीजाने छेतरवा माटे तेवो आवुं करता होय एवुं नहीं पण एनी पोतानी समझण ज अधूरी होय अने ए पूरी मानता होय हवे एनुं तो कोई शुं करी शके। एमनी आखी परंपरा ज एवी होय, एना गुरु एना आखा आचार्योनी परंपरा ज एवी चाली आवती होय। जेम के केटलाक तो एवा छे के परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण सर्व जगतना करता हरता छे एवुं मानता ज नथी। ए तो एम समझे छे के कर्मथी ज जगत चाले छे। आपणे जेवा कर्मो कर्या होय राइट ए कर्मो जेनी मेळे फळीभूत थाय जगत सर्जे जगत चाले जगत प्रलयमां जतुं रहे। ए आ वातने साची माने छे तो आपणे तो एवुं शीखवाडवाना छे जेने आपणी भाषामां तो नास्तिकता कहेवाय। तो केटलाक एवा छे आत्मा सो परमात्मामां माने छे। सेमा आत्मा एज परमात्मा छे आवो माने छे। केटलाक ब्रह्मने परब्रह्म माने छे। जे ब्रह्म तत्व छे जेने आपणे अक्षर ब्रह्म कहीए चिदाकाश कहीए एज परब्रह्म छे एवुं समजे छे। केटलाक ए ब्रह्म एक ज तत्व छे बीजुं कोई तत्व ज नथी बाकीनुं बधुं भ्रम छे। ज्यारे आपणे एम खबर पड़े के हूँ जे ब्रह्म छुं एटले पूरुं। हवे कोने भजवाना ने कोने पामवाना हवे एवुं ए माने छे एवुं ए समजे छे। खबर नहीं एनी परंपरामां आवुं क्यांकथी आव्युं छे अने वळी आवुं माननाराओ परब्रह्म निराकार छे फक्त तेज रूप छे एवुं बहु दृढ़पणे माने छे। जे कोई एवी विचारधारामां माने छे एमनो मत एवो छे एमनी परंपरा एवी छे ए तो एमनी परंपराने वरेला छे ए एमने मुबारक छे। परंतु वेद वेदांत तमाम शास्त्र पुराणों अने खास करीने परब्रह्म परमात्मा सर्वोपरि स्वामीनारायण भगवाननो ए मत छे के आ जगत कोई एक परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण थी उत्पन्न थाय छे एनाथी संचालित छे अने एनाथी विनष्ट प्रलय थाय छे। सर्व जगतना करता हरता कोई एक परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण छे। आत्माओ एनाथी तद्दन जुदा तत्वो भगवान ने आधीन छे। ए जेवा कर्मो करे छे ए प्रमाणे परमात्मा तेने फल आपे छे। आत्माओ निरवयव निराकार छे। परंतु परमात्मा परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण सदा साकार सर्वांग संपूर्ण दिव्य चैतन्य नूज साकार स्वरूप छे अने वेद वेदांत में सर्वत्र प्रसिद्ध छे। आत्मा सो परमात्मा ए स्वामीनारायण भगवान नो मत नथी। ब्रह्म एज परब्रह्म अन एज हूँ आवो स्वामीनारायण भगवान नो मत नथी एवो वेदों नो उपनिषदों नो पुराणों नो भगवान वेद व्यास नो कोई नो ए मत नथी। जेने एवो मत लाग्यो जेने एवो सिद्धांत समझायो ते तेमने मुबारक। आपणे जेने तेने सांभळ्या करीए जेना तेना पुस्तको वांच्या करीए बनी शके आ मायली कोई पण आवी बीजी कोई पण एमनी ज मान्यतामां एमनी समझदारीमां एमनी परंपरामां कोई खोट खामी भूल होय अने आपणे तो एमने महापुरुष मानीने सांभळ्या करीए स्वीकार्या करीए तो आपणामां पण ए आवी जाय। अने एकवार भगवानने कोई निराकार मानी बेसे परब्रह्म पुरुषोत्तम निराकार फक्त तेज छे एनो मतलब सदा साकार भक्ति उपासनामांथी पड़ी गयो। एक शब्द में एक भाषा में एवं पण कहेवाय कि एने भगवान नो द्रोह अपराध कर्यो कारण के हवे कायम भगवान ना आकार नु खंडन करशे। एटले आ मार्ग एवो अटपटो छे अगम छे अनंत छे। आमा भगवान कृपा करे कोई समर्थ सद्गुरु जे भगवान ने जेम छे एम जाणनारा मळे अने एमनी कृपा थाय तो ज जेम छे एम समझी शकाय अने जे पामवू जोईए एने पामी शकाय। जो आत्मानंद स्वामी कहेवा लाग्या। रामानंद स्वामीनी आ वात सांभळीने सद्गुरु आत्मानंद स्वामीए कह्युं, सांभळो वर्णी ब्रह्मचारी छे ने ब्रह्मचर्य आश्रममांथी एमणे आ दीक्षा लीधी छे। श्री कृष्ण ने आकार नथी। सौथी पहेलुं आवुं विधान कर्युं। कोण कही रह्युं छे? आत्मानंद स्वामी। एक योगी राज जे पोते समाधि करे बीजाने करावी शके ए लंपट नथी, ए लुच्चा नथी, ए ठग नथी, ए असत्पुरुष नथी। ए कोईने छेतरवा अने पोतानो भीतरी भूंडो भाव पूरो करवा आवुं नथी करता, परंतु एमनी मान्यता एवी छे। श्री कृष्ण ने आकार नथी ते तो सर्व जग्याए व्यापक एवा अकल तेजनो समूह छे। जो सांभळो रामानंद, विश्वमां आकार अनेक छे पण ते बधाने तमारे माईक समजवा। जेटला दुनियामां आकार छे बधा आकार माईक छे। भगवान तमे जेने कहो छो एने हूँ ब्रह्म कहूं छुं, ए एक छे अने ते निर्गुण निराकार सर्वोपरि छे। एमणे एमनो मत आवो कही दीधो। परमात्मा ने निराकार माननार आत्मानंद स्वामीनी उपरोक्त वात सांभळीने रामानंद स्वामीने अत्यंत आघात लाग्यो। एनी जिंदगीमां क्यारेय दुख न लाग्युं होय, हृदय न दुभाणुं होय, एटलू दुभावा लाग्यु। मन में एम थयो के आरा आरा घर बार संसार मूकीने प्रभु ने साक्षात अनुभववा पामवा माटे आव्यो। आट आटलू कर्या पछी हूँ आ शुं सांभळी रह्यो छुं? न होय, आवुं कदी न होई शके। एटलो बधो आघात लाग्यो तेथी शरीरनुं भान भूली गया, मूर्छा पामी गया। आत्मानंद स्वामीनी सामे जमीन उपर ढळी पड्या। कारण के भगवान निराकार छे आवुं सांभळता ज ते अत्यंत उदास निराश थई गया हता। आपणी परंपरा छे वाला भाईओ, आपणे जे परंपरामां आवीए छे, पुरुषोत्तम नारायणे परम कृपा करीने आपणने जे गुरु परंपरा आपी छे ए परंपरानो आ सिद्धांत छे। जिंदगीमां जीवनमां ज्यां सुधी प्राण होय त्यां सुधी कदापि आपणे एवुं न मानवुं जोईए के भगवान निराकार छे। आपणो हर कोई संजोगे ए परम सिद्धांत होवो जोईए। भगवान परमात्मा परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण सदा साकार सर्वांग संपूर्ण हाथ पग आंख नाक कान वाला दिव्य चैतन्य मूर्ति छे। अनेक सर्वकर्ता छे, एक सर्वसमर्थ सर्व कर्म फल प्रदाता छे, एक सर्वोपास्य छे, ए सर्वोपरि सर्वावतारी मारू परम ध्येय परम प्राप्य स्वरूप छे। हूँ तो एमनो शरणागत सेवक दास छू। आवुं आपणे समजवुं जोईए। रामानंद स्वामी ने ज्यारे आनाथी बधुं विपरीत एमना ज योग गुरुना मोढे सांभळवा मळ्युं, हवे कोने कहेवा जावुं? बीजा होय तो सामे झगड़ी लेवाय, बे शब्द फरेंट थईने बोली देवाय, भाग भाग ए तोलिया। पण आ तो गुरु छे, एमनी पासेथी योग शीख्या, एमनी कृपाथी तो समाधि सुधी पूग्या अने त्यांथी ज आवो बहु ज कड़वो घूंटड़ो पीवो पड्यो। आघात लागी गयो। बे घड़ी सुधी तो रामानंद स्वामी बेभान पड्या रह्या, एटलो आघात लाग्यो। पछी ज्यारे भानमां आव्या त्यारे तेमनी आंखोमांथी चौधार आंसुओनी धारावळी चाली निकळी। तेमणे अत्यंत रुदन कर्युं। भगवानना आकारना निषेधनी वात खुद गुरुए कही तेथी तेमने गुरुनो पण हवे अभाव आव्यो, अवगुण आव्यो। कि गुरु ने हूँ भगवान नी जेम मज मानवा तैयार छू पण भगवान माटे जे गुरु खुद मारा भगवान ना आकार नो निषेध करे खंडन करे मने मारा प्रभु पुरुषोत्तम नारायण नी साकार उपासना माथी पाड़े एक गुरु गुरु शाकमना पछी गुरु होवाथी झगड्या नहीं अपमान कर्यु नहीं कई बीजू बोल्या नहीं शिष्य छे तो शिष्य नी रीते तेवो मर्यादा में रह्या पण ते निराकारवादी गुरु नो तत्काल त्याग करी रामानंद स्वामीए दक्षिण देश तरफ जवानुं प्रयाण करी दीधुं। एक सेकंड में निर्णय लई लीधो भाई हवे अहींया मारुं काम नथी। ए एमना मतने वरेला छे निराकारनी समाधि करे अने करावी शके छे। जे शिष्योने एवुं ज ज्ञान पच पड़तुं होय तो ये लोको एवी समाधि अनुभवे मारे तो सदा साकार परमात्मानो अनुभव जोईए छे। वाला भक्तो सहजानंद स्वामी महाराज नी जय। आ धरती ऊपर आध्यात्मिक पथना पथदर्शको लीडरों गुरुजनों त्रण स्टेपना होई शके छे ने एमां थर्ड स्टेपना मळे तो बहुत सारू। एक आध्यात्मिक मार्गना गणाता होवा छता विषयी होय लंपट होय अधर्म आचरता होय खरेखर ते पोते ज आध्यात्मिकताने वरेला न होय दम डोळ करी धन स्त्री खान पान मान भोग विलासना चाहक होय। ए तमाम प्रकारनी आध्यात्मिकतानो उपयोग पण ए पोतानी भूंडी बद इच्छाओनी पूर्ति करवा माटे करता होय। बीजा आवा न होय खरेखर आध्यात्मिकताने वरेला होय तेओ एमनी परंपराने अनुसार पूरतो प्रयास करता होय आध्यात्मिकताने हासिल करवानो परंतु तेओ पोते કંઈક અપૂર્ણ સમજણ અપસિદ્ધાંત કુપરંપરામાં આવી ગયા હોય એટલે એમની પોતાની જ સમજણ એમની ઉપાસના અધૂરી ખોટી હોય। અને ત્રીજા સ્ટેપે જેમનું વર્તન પણ સંપૂર્ણ શુદ્ધ સાચું અને જેમની સમજણ પણ શુદ્ધ સંપૂર્ણ સાચી હોય જેમની સ્થિતિ પણ એમની સમજણ પ્રમાણે ખરેખર હાંસલ કરેલી હોય જે પોતે स्वामी सेवक भावे परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण नी उपासना करता होय धर्मे सहित ए परमात्मा नी भक्ति करता होय अने ए परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण नी निष्ठा स्थिति तेओ मेळवी चूक्या होय जेने श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष कहेवाय। आ त्रीजा प्रकारना कोई महापुरुष कोई सद्गुरु आ धरती उपर आपणने मळे ए परमात्मानी सौथी मोटी कृपा मूर्ति मंत मळी कहेवाय। सर्वोपरि स्वामीनारायण भगवान आ धरती उपर पधार्या एमणे पोते आ बधो सिद्धांत सारी रीते समझाव्यो अने एमना गोपाळानंद स्वामी जेवा महामुक्तोने साथे लाव्या संत परंपरानुं तेमणे निर्माण कर्युं। आज स्वामीनारायण संप्रदायना हाव नानामां नाना बाळकोथी मांडीने बूढ़ा सुधीना सौ कोई अनुयायीओ भगवान ने सदा साकार समझे सर्वकर्ता समझे एज परब्रह्म परमात्मा मारा उपास्य आराध्य प्राप्य छे आवुं समजीने एने आराधे अने एवा कोई मोटा समर्थ संत मळी जाय तो धर्मे सहित ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति हासिल थाय अने एवा एकांतिक सत्पुरुषनी कृपाथी आपणे पण एवा एकांतिक संत के भक्त बनी शकीए अने ए परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण ने साक्षात शाश्वत प्राप्ति रूपी आत्यंतिकी मुक्ति ने मेळवी शके। आपणे पुरुषोत्तम नारायण भगवान स्वामीनारायण नी कृपाथी एवी परंपरामां आव्या छीए आपणे एवी गुरु परंपरा मळी छे एटले वाला वाला महाराज ने हजारों वार प्रणाम वंदन थैंक यू धन्यवाद। वाला भक्तो थोड़ा दिवसों थी हालांकि गुरुजी नु स्वास्थ्य अने गळुं ठीक नहोतुं एटले गुरुजी सवारनी कथा नता करता आज गुरुजी सभामां पधार्या छे तो हूँ गुरुजीने प्रार्थना करीश। गुरुजी अम सौने आपनी अमृतवाणीनो लाभ आपशो। वाला गुरुजी सर्वे वाला भक्तोने जय स्वामिनारायण। आज विक्रम संवत 2078 फागण सुद 13 है। तारीख 16/3/2022 बुधवार। सरस मजानी सवारनी कथा चाले छे। सहजे सहजे रोज आवी कथा थी आपणुं अज्ञान दूर थाय छे। एक रात में अज्ञान जाए नहीं, एक रात में ज्ञान थाय नहीं। परंतु महाराज एवं सरस रीति पद्धति बांधी गया है। आ सत्संग में जे कोई आवे ए धीमे धीमे रोज रोज शुद्ध थातो जाए ने भगवान में जोड़ातो जाए। थोड़ी सावधानी जोईए, लक्ष्य जो टार्गेट तो काम थाय। आवो सत्संग मळ्या पछी पण थोड़ू जागृत तो रहेवू पड़े, थोड़ू अपने क्यां छीए, क्यां जावू छे, केटले पहुंच्या छीए, ये खास आपने तपासवू पड़े। अने आटलू चाल्या छीए, अहीं पुग्या छीए, हजी आटलू हालवानू बाकी छे। अने अंदाजे आटलू हवे आयुष हशे। आटला आयुषमां आटलू आपणे चाली नाखवू जोईए एवं थोड़ू ध्यान राखवू पड़े। बीजी एक बात बधा भक्तों ने ये कहवानी है कि महाराजे पंचाळाना पहला वचनामृत में आपने एक युक्ति शीखवाड़ी, बहु सरस युक्ति शीखवाड़ी कि जे भगवाननो भक्त होय ते सर्व सुखनु परिमाण करी राखे, परिमाण करी राखे। परिमाण करी राखवानो मीनिंग थाय एने बराबर जाणी राखवू एक। बीजो मीनिंग थाय सुखना तफावतने समझी राखवो। अने आना करता आ सुख वधारे, आना करता आ सुख वधारे, आना करता आ वधारे हारू, एना करताय पाछू आ वधारे हारू, एना करताय आ तो बहु सरस। आवू जे समझी राखे एने बहु लाभ थाय। आपणी सामे बे विकल्प आवे तो दरेक माणसो बे विकल्पमांथी कयो विकल्प पसंद करे तो बे मांथी एने जे सारो लागे ते। आपणे कोई एम कहे कि भाई आ 100 रुपयानी नोट छे ने आ 500नी नोट, आपने जे गमे ते लई लो। तो स्वाभाविक आपणे जाणीए छे कि 500नी नोट वधारे हारी एटले आपणे 500नी लईए अने 100नी पड़ी रवा दीए। केम जे एमां 100 करता 125 गणो वधारे 500नी नोटमां फायदो गणाय। एम आपणे जे कांई करीए छीए, जे कांई करीए छीए एमां आपणी सामे कर्तव्य तरीके, विचारणीय तरीके, स्वीकारणीय तरीके घणा बधा ऑप्शन होय, घणा बधा ऑप्शन होय। एमांथी જે સૌથી વધારે સુખદાયક ઓપ્શન આપણે સ્વીકારીએ અને એને જ અનુસરીએ, એ જ કરીએ, એ જ વિચારીએ, એ જ માર્ગે ચાલીએ તો બહુ જ મહાન બનીએ, બહુ જ મહાન બનીએ. સમજાવવા માટે એક એક્ઝામ્પલ આપું કે આપણા હાથમાં મોબાઈલ છે, આપણા હાથમાં ઇન્ટરનેટ છે, એની અંદર અનેક ઓપ્શન છે, એમાં માયા પણ છે અને મહારાજ પણ છે, એમાં સંસાર પણ છે અને સત્સંગ પણ છે, એમાં ગ્રામ્ય કથા પણ છે અને ભગવત કથા પણ છે, એમાં આસક્તિ વધે જગતમાં એવું પણ છે અને ભગવાનમાં ભક્તિ વધે એવું પણ છે કે નહીં? બધા ઘણા ઓપ્શનો છે જોવા સાંભળવાના. એમાંથી આપણે એટલું તપાસી લઈએ કે આમાં મારા માટે સારું કયું, વધારે સુખદાયક શું, આ કે આ? વધારે મારે માટે લાભદાયક, કલ્યાણકારી, મોક્ષ દેનારું શું, આ કે આ? અને જે વધારે આપણને સુખ્યા કરે, ભગવાનમાં જોડે, મોહ માયામાંથી છોડાવે, દોષો ટાળે, વાસના ટળાવી ભગવાનમાં પ્રેમ કરાવે, એવું જે ઓપ્શન હોય એ આપણે જો એમાંથી જોઈએ, એનો લાભ લઈએ, એનો આદર કરીએ, એને સ્વીકારીએ તો બહુ મોટો ફાયદો થાય અને મહાન બનીએ. પણ સર્વે સુખનું પરિમાણ કરી રાખ્યું હોય તો થાય. મહારાજે પહેલા વટનાવતમાં કહ્યું કે જે ડાયો હોય એ પરિમાણ કરી રાખે, જે મૂરખ છે એને તો કાંઈ ગતાગમ જ નથી, એ શું પરિમાણ કરે? ડાયો તો બરાબર માપ કાઢીને બેઠો હોય, એને જ બુદ્ધિશાળી કહેવાય. આપણે જમવા બેસીએ, કોઈ માની લો કે મોટા માણસના લગ્ન હોય, ત્યાં 150 આઈટમ હોય, તો આપણે જાતે એમાંથી જે જોતી હોય લેવાની હોય તો આપણે કઈ લઈએ? જેમાં વધારે આપણે સુખ માન્યું હોય એ જ આઈટમ લઈએ, બીજી પડી રહેવા દઈએ. એમ આ દુનિયામાં અનંત પ્રકારનું છે, જોવા જેવું, સાંભળવા જેવું, અડવા જેવું, સૂંઘવા જેવું, ખાધા જેવું, લેવા જેવું, આદર કર્યા જેવું, રાખ્યા જેવું, વિચાર્યા જેવું, ચિંતવા જેવું, હાલ્યા જેવું, અનંત પ્રકારનું છે. એમાંથી એ બધાનું પરિમાણ કરીને સૌથી સારામાં સારું હોય એને જ આપણે હંમેશા પકડીએ, સ્વીકારીએ અને બીજું આપણે અવોઇડ કરીએ તો થોડા કાળમાં મુક્ત થઈ જાય, કલ્યાણ જ થઈ જાય. પણ મુશ્કેલી આપણી એ છે કે આપણને ખબર છે કે આ મારા માટે સારું નથી, કલ્યાણકારી નથી, દુઃખ દેનારું છે, આજ્ઞાબારું છે, આસક્તિ વધારનારું છે, મારા જીવનું બગાડનારું છે, તો પણ એમાં જ ખાબકતા હોઈએ છીએ. એટલે જીવનું કલ્યાણ ક્યાં થાય? બોલો કેવી રીતે થાય? માટે પંચાળાનું પહેલું પરિમાણ કરી રાખો એક એક વાતનું. એમાં તો બહુ બધી ઉપરની વાતનું પરિમાણ શીખવાડ્યું કે વૈકુંઠ કરતાં ગોલોકનું સુખ વધારે, ગોલોક કરતાં અક્ષરધામનું સુખ વધારે. આપણે નથી ભાળ્યું સ્વર્ગ, નથી ભાળ્યું ગોલોક, કાંઈ ભાળ્યું નથી. હવે એ ક્યાં આપણે જોવા જવું? પણ આપણને તો અહીં એટલી ખબર પડે કે ભગવાન અને સંતોના દર્શન એ સૌથી વધારે છે અને બાકી એના જેવું એકેય નથી. માટે એ બધાના દર્શન કરવા ને એ બધું સાંભળ કરવું ને એમાં ધ્યાન દેવું ને એના કરતાં ભગવાનની કથા, વાર્તા, કીર્તન, દર્શનમાં ધ્યાન દઈએ તો આપણા જીવનું જલ્દી કલ્યાણ થઈ જાય. બસ આટલું સમજીને આજની જે આ દુનિયા છે એનો કલ્યાણ થાય એ રીતનો જ ઉપયોગ કરવો, એ બુદ્ધિમત્તા છે. તો એમ કરશું બધા हवे फरीवार आपणे आ माया में आ जगत में माताना पेट में गर्भवास में आववू नथी ने लक्षराशि में जावू नथी अने जमनो मार खावो नथी माटे बे मांथी हारू होय ए हारू ए मारू अने सारा ने स्वीकारवू नबळू होय एनाथी थोड़ूक नबळू तोय अने पड्यू मूकीने एनाथी थोड़ूक श्रेष्ठ होय एमां ज समय शक्ति वगैरह वापरवू अने झट भगवान में जोड़ाई जावू। जय स्वामीनारायण। मारा सहजानंद प्राण प्यारा मारी आँख लड़ी ना तारा तमे राजी रहे जो स्वामी मारी भूलो ना भूलनारा तमे मळ्या तो सुख छे जाजो मारे हये हये अनहार अति भावे गयो छो वाला वाला भक्तों घड़ीक बेसो आपणे बे दिवसनू अहींया भगवानने राजी करवा भगवान में जोड़वा सत्संगनी अभिवृद्धि अर्थे आयोजन कर्युं छे। तारीख 19 અને 20 માર્ચ 2022 रंगोत्सव अने आत्मीय सभा अने 3 કિલો केसर घोड़ी 333 લિટરનો भगवान श्रीहरिनो अभिषेक 1100 કિલો सूका मेवानो 3 अद्भुत ग्रंथ 1 भगवान स्वामीनारायण लखेली शिक्षापत्री, बीजू श्रीमद भगवद गीता, तीजो निष्काम स्वामीए लखेली भक्त चिंताणी माथे अभिषेक करवानो छे अने आ बधु दिव्य आयोजननो लाभ लेवानो छे। बहु बधा हरिभक्त कुंडल आववाना छे पण मारे एवी विनंती छे के वाला भक्तों आपणे तमारे एक रात कुंडल में काढवानी छे। थोड़ी उतारानी तकलीफ छे। अमे आपने बधाने विनंती करीए छे के अत्यारे आपणे थोड़ी घणी उतारानी व्यवस्था तो करी छे पण आ होळी उपर मंडपवाळाना बधा मजूरो एना देशमां जता रहे रंगोत्सवमां एटले मळे नहीं એટલે આપણે જેવી જોઈએ એવી હરિભક્તોની ઉતારા વગેરેની સગવડતા પૂરી પાડી શકીએ એમ નથી માટે રાજી રહેજો। આ જગ્યા બહુ છે, પાગરણ મળશે, ઠેલો મૂકવા મળશે, ગમે ને ગોદડું લઈને હોઈ જવાનું તો કાંઈ વાંધો નહીં આવે પણ તમે કાંઈક પરિકલ્પના એવી કરીને આવ્યા હો કે મને હારા મારો ઉતારો મળશે તો એવી કોઈ વિભાવનાઓ કરીને આવતા નહીં। एवं नक्की करीने आवजो के जे झाड़वा नीचे ज्यां गोदड़ू मळे गोदड़ू नहीतर पछी एमनेम होई जाने हवार पाड़ी देवानी। 2 दिनो लाभ लेवानो छे। द्विदिनात्मक रंगोत्सव आपणे खूब माणी लेवानो छे। तो एक ज रात आपणे काढवानी छे अने तमारी मेळे कहीं आजूबाजू धाम में के गाम में कहीं तमे व्यवस्था करी लेता हो तो अमे राजी, बाकी अहीं तमे गमे न्या होई जाता होय तो ए बेटर। तो दरेक हरिभक्तोने आ जणाववानुं, आवो बधा प्रेमथी आवो, पण बहु मोटी मोटी उतारानी लालच राखीने कल्पनाओ करी करीने आवता नहीं के दास भुवनमां आ जग्याए फलाणी जग्याए आम तेम। अहीं थाय एटली सगवडता करशुं, बाकी ए हवनी रीते हव पोळापटमां रात काढी नाखजो भजन करीने के गमे तेम। एटले आ लाभ आवी रीते बधाए लेवानो छे। अने पछी वाला भक्तो तारीख 22, 23 અને 24 खोपाळानो 34મો પાટોત્સવ, એમાં આપણે બધાએ જવાનું છે અને કથા કરવાની છે। 3 દિવસ બહુ ભવ્યતાથી ત્યાં આપણે વળી 70 વર્ષ પછી એકવાર લાભ લેવાનો થયો છે। અને આપણા દામજીભાઈ ઝવેરભાઈ ગાબાણી ખોપાળાવાળા એમનો દીકરો જિજ્ઞેશ અને અલ્પેશ આના યજમાન થયા છે। ખૂબ ઉત્સાહી છે, એમનો બહુ જ મોટો ભાવ છે। ગમે એટલો ખર્ચ થાય પણ આ 3 દિવસનો અમારો ખોપાળાનો 34મો પાટોત્સવ ભવ્યતાથી ઉજવાય। બધા ભાભા આવે અને બધા ભક્તો આવે, ત્યાંય બધાને માટે થાય એટલી ઉતારા વગેરેની સગવડતા તો કરી છે, પણ હવે ભગત જાજા અને ઉતારા ઓછા એટલે થોડી મુશ્કેલી તો એકાદ બે દી રહે। આપણે એવી બધું ગોઠવવું कि आमा लोकोने बहु आपणी तकलीफ पड़े नहीं अने आपणे उत्सवनो लाभ लईए। तो दरेक हरिभक्तए खोपाळा 3 દિવસ लाभ लेवा आववुं। दिवसे तो खास साँजे गमे त्यां आवी जावुं, सवारे आवी जावुं अने खूब लाभ लेवो। एमां कोई वातनी कचाश छोड़वी नहीं, केम जे आपणे आमा माणसनी बधी तकलीफो मुश्केलीओने ध्यानमां राखवी जोईए, बराबर। अने ए 3 દિવસ दरमियान पण अपनी तो अँ सवारनी कथा जे चाले छे ते राबेता मुजब चालशे ज। कां दयाळु स्वामी करशे ने कां तो अमे बेही जाऊँ। अमे दयाळु स्वामी खोपाळ अने कुंडल बेयनी कथा हाचवी लेहूँ। कांईक हूँ अँ करीश ने कांईक ई त्यां करशे ने कांईक हूँ त्यां करीश ने कांईक ई अँ करशे। तमे जोवो पण कांई वात नहीं, तमने मोक्षना मार्गमां पोषण करवामां अमे कचाश राखशुं नहीं। तमे हवे पर तमारू पोषण तमे करो न करो ए तमे जाणो, पण अमारे तो अमारी रीते मेहनत खूब करवानी ज छे, समझ्या। मेहनत विना कांई मळतुं ज नथी अने करेलुं कोईनुं जातुं नथी, माटे आपणे भगवानने राजी करवा खूब मेहनत करवी जोईए। भगवानने करता हरता मानी नहीं, पण मेहनत तो करवी जोईए। आ स्वामिनारायण भगवाननो सिद्धांत छे के सर्वे साधनमां एक, एक साधनमां सर्वे साधन आवी जाय एवुं शुं तो के पुरुष प्रयत्न। गोपाल स्वामीनो ये मत है, महाराजनो अने गोपाल स्वामीनो बेयनो एक ज मत है कि खूब भगवानने राजी करवा अपने बधाए धर्म ज्ञान वैराग भक्ति तप साधना आराधना आते कराज करवू। खोटे खोटा आशराना बळने लई अने डींगा देवा नहीं, समझाणु। होई रहेवू नहीं, कां तो छे ने धर्म लोपवा नहीं, कोई कूड़ कपट के पाखंड करवा नहीं। आशरो साचो है, भगवान साचा है, संतो साचा है, सत्संग साचो है, पण एनो मिसयूज करिए तो एज सत्संग आपने महादुख दे। माटे डाया थईने सीधी लीटी में रहीने परमात्मानी आराधना भक्ति करवी अने आवो सेव उत्सवनो उत्सव होय त्यारे कूदी पड़वू, एमां क्यां कोई ना पाडे छे। अने तमारी हारे हारे भाभाओ अमने पण मळे छे। अमारा नसीब एटला बधा हारा नथी तमारा जेटला। अमारा नसीब में हाव नर्या भगवान ज लिख्या छे अने तमारा नसीब में तो बैरून धणीन छोकरान बधुं खोळाम कळशे जाय। केटलाय प्रकारना तमारा नसीब ने भाग ने केटलाय प्रकारना तमारे दुख ने उपाधि कंटाळो पार वगरनो। अमारे तो कांई नहीं, हरीफरीने भगवान ने साधू एम छे। अमारा ने तमारा नसीब में बहु झाजो फेर छे। तो उछलो अने सेव उछल में पधारो बधाने भावथी। जय स्वामी।